हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे फहास रिलेटेड वीडियोस जो चल रहे हैं उसमें मेरे ये फहास की सीरीज़ का थर्ड एपिसोड है। सेकंड वीडियो भी मैंने शॉर्ट्स में डाल दिया है कि बेसिकली मुझे बताना है आप लोगों की कार की फहास रिलेटेड जो भी टेक्निकलिटीज हैं उसको किस तरीके से ट्रबल शूट करें दोस्तों। और आज जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था, आपको एश्योर किया था कि मेरे वीडियोस में मैं किस तरीके से आपको बताऊंगा कि फहास के स्टेप्स को कैसे क्लियर जाता है, किया जाता है। लास्ट टाइम जो फहास मेरी की थी, मैंने अनफॉर्चुनेटली मेरी कार फेल हुई थी, आप लोगों ने देखी थी मेरी कार का मैंने पूरा फहास दिखा दिया था आपको, मैंने किस तरीके से किया था दमा में। लेकिन हाउ टू पास द फहास, व्हाट स्टेप्स वी शुड टेक टू क्लियर आवर फहास प्रायर टू गोइंग टू फहास, ये मैं आज इस वीडियो में कर रहा हूँ और ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है दोस्तों। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किया करें इस तरीके की वीडियोज मिलने के लिए आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं बेसिकली आपको कहना चाह रहा हूँ दोस्तों ये कि सऊदी अरेबिया में कार की फहास तो हमें करनी है, लेकिन वो करनी क्यों है? जिस तरीके से आप स्क्रीन शॉट पे देख सकते हैं, ये स्क्रीन शॉट मैंने MVPI से लिया हुआ, इसी का शॉट मैंने डाला हुआ है क्योंकि MVPI मोटर व्हीकल पीरियडिक इंस्पेक्शन की जो वेबसाइट है उसमें सब FAQs और ये है। तो देखिए, अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों, तो देखिए बेसिकली व्हेन डू आई ब्रिंग माय व्हीकल फॉर इंस्पेक्शन, मतलब मेरा बोलने का ये मकसद है कि बेसिकली फहास किया क्यों जाए। हम दो टॉपिक्स, दो पार्ट्स में इसको कवर करेंगे कि फहास करने की जरूरत क्या है और व्हाट आर द स्टेप्स वी शुड टेक। वो मैं आपको पूरा इसके वीडियो में थोड़ा इंतजार कीजिए, 5-6 मिनट के बाद मेरा ये खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम उस पर लेक्चर शुरू करेंगे कि कौन से पॉइंट्स हैं, तो वहां पे हम आ जाएंगे। पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जरूरत क्या है। अगर आप ध्यान से देखिए स्क्रीनशॉट के ऊपर, व्हेन ट्रैवलिंग, व्हेन बाइंग और सेलिंग अ व्हीकल, व्हेन नोटिसिंग अ टेक्निकल इशू, जैसे उन लोगों ने लिखा हुआ है, व्हेन वांटिंग टू डिस्कवर टेक्निकल इशू, और मुझे थर्ड और चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब हम फहास को जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम तो हमारे मैकेनिक के पास दे ही रहे हैं ना, हम अपने मैकेनिक के पास अपनी कार, मतलब उनके इतने साउंड इंजीनियर्स हैं, इतने क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं, उनके पास हम अपनी कार लेके जा रहे हैं दोस्तों। तो हमारी कार अपने आप हमें पता चल जा रहे हैं उसके कौन से पॉइंट्स हैं जो आगे जाके हम कवर करने वाले हैं, वो पॉइंट्स में हमें खुद ही पता चल जा रहा है ना दोस्तों कि वो कौन से पॉइंट्स में। तो इस तरीके से व्हेन नोटिसिंग अ टेक्निकल इशू, लेकिन शुरू के जो दो पॉइंट है, ट्रैवलिंग बाइंग और सेलिंग अ व्हीकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फहास के टाइम पे। मतलब मुद्दा ये है कि अगर आप फहास करने जा रहे हैं तो इंजीनियर के पास जा रहे हैं, सऊदी अरेबिया के क्वालिफाइड साउंड इंजीनियर के पास जा रहे हैं जो आपको मेरे को बताने वाले हैं। जैसे मेरी कार का जब हुआ था इशू तो मुझे उन्होंने विजुअल में फेल किया, कलर खराब है ठीक है ना, लेकिन फिर भी उन्होंने, नीचे मेरा सब पास था, इंटरनल सब पास था, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे बोला, ओ भाई तुम्हारी कलर फेड हो रही है, तुम कर दो, हाँ हो गए, चलो मेरे इतने पैसे चले गए। तो इसी तरीके से आपके इंजीनियर्स आपको बता रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात हो रही है। लेकिन व्हेन ट्रैवलिंग, शुरू में अगर आप देखें, देखो बड़ा सफर करने जा रहे हैं, अब आपको पता चल जाता है, मतलब आप बोलोगे अरे मैं फहास करने क्यों जाऊं, मैं मैकेनिक के पास ही करवा लूं भाई। लेकिन फहास वाले जो होते हैं वो एक आपको ऐसा आपकी रिपोर्ट बना के देने वाले हैं जो नॉन पार्शियल होने वाली है, नॉन बायस्ड होने वाली है, एक आपके यूज के लिए देने वाले हैं वो लोग, ना कि गैरेज जैसा जिसके साथ आप मेकशिफ्ट अरेंजमेंट करके आपका जो है दोनों कर लेंगे, दोनों मिलकर अरे चलता है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक स्ट्रिक्ट रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि बाइंग और सेलिंग व्हीकल, भाइयों जब आप कार अपनी बेचने जाते हैं तो आपको नहीं, आपको ऐसा लगता कि सामने वाले को बोले जा रहे मेरी कार की फहास हुई हुई है तो सामने वाला बहुत अच्छे से खरीद लेता है। इसी तरीके से सेलिंग अ व्हीकल, बेचते टाइम और खरीदते टाइम भी खरीदार को भी ऐसा लगता है कि कार की फहास पास हुई है, तो इस तरीके से फहास तो बहुत जरूरी हो गया ना दोस्तों। मेरा मुद्दा यह है कि देखो फहास की जरूरत, देखो व्हाट आर व्हाई फहास इज नेसेसरी, इसी के लिए मेरा टाइटल है How to pass the fast and why fast is necessary for our car। अगर आप ध्यान से देखें तो चौथा पॉइंट तो मुझे बहुत आपने, मैंने आपको कन्विंस कर दिया है कि आपको पता चल जाता है कि आपकी टेक्निकल इश्यूज खराब किससे, सऊदी इंजीनियर से। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप ध्यान से देखें, जब लास्ट पॉइंट देखें दोस्तों, अगर आप लास्ट पॉइंट देखें कि व्हेन रिन्यूइंग योर व्हीकल लाइसेंस स्क्रीनशॉट पे देखें, तो इससे हमारा ये दो मेन इंपॉर्टेंट बात है, ये दो मेन इंपॉर्टेंट बात है जिसमें, मतलब अगर आप कार चलाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों, अब ध्यान से सुने, कार चलाने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन फाइन कब पड़ेगा? फाइन पड़ सकता है, एक तो इंस्पेक्टर अगर चेक करे तो इंस्पेक्टर रैंडमली चेक करता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपकी कार के पीछे लग जाएगा कि अरे भाई मेरे को दिखा दिखा, नहीं। लेकिन अगर कहीं अगर कोई दूसरे इश्यू में अगर आप फंस गए, और अगर वहां पे फंसने के बाद दोस्तों वहां पे सडनली अगर उसने देखा कि आपकी कार के ऊपर बारकोड नहीं है तो वो आपको फाइन कर सकता है। लेकिन कार का जो लाइसेंस है यानी उसका इस्तेमारा, कार का रजिस्ट्रेशन नहीं रिन्यू होगा, ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो स्क्रीनशॉट पे आप देख सकते हैं लास्ट के पॉइंट पर, जैसे लिखा हुआ कि व्हेन रिन्यूइंग व्हीकल लाइसेंस, योर व्हीकल लाइसेंस दैट इज रजिस्ट्रेशन लाइसेंस विल नॉट बी रिन्यूड इफ अनलेस एंड अंटिल
यू रिन्यू योर फास्ट. तो वो हाँ एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको टेक्निकल मतलब वो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा. बाकी जो मेन है कि नोटिफिकेशन टू द इंजिन चार्ज से चलो ठीक है, यूज व्हीकल रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड ये ठीक है, लेकिन इंस्पेक्टिंग द व्हीकल ये भी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है. आफ्टर रिपेयर फॉलोइंग अ ट्रैफिक इंसिडेंट, इमेजिन करो हमारी कार का एक्सीडेंट हो जाता है छोटा या बड़ा, लेकिन अगर हमारा ट्रैफिक अगर हमें अगर ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद अगर हमें अच्छे से हमारी फास्ट की रिपोर्ट मिल जाए तो हमें ये पता चल जाता है अरे भाई गाड़ी की एक्सीडेंट तो हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी कार की रिपोर्ट क्या है और हमें इस बिना पर हमारी कार को रिपेयर करने मिल जाता है. तो दोस्तों ये था ऐसे इंपॉर्टेंट का व्हाई द फास्ट इज नेसेसरी फॉर आवर कार्स इन सऊदी अरेबिया, क्यों जरूरत है फास्ट की. दो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फाइन तो पुलिस मारेगा 150 रियाल, लेकिन वो कभी चेक करेगा तो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है लाइसेंस का रिन्यूअल. ये जो पॉइंट्स थे ये आपने देख लिए समझ लिए कि इसके पॉइंट्स के ऊपर इस बिना के ऊपर आपको पता चल जाता है दोस्तों कि किस तरीके से आपकी कार की जो फास्ट है उसकी करने की जरूरत है. अब हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं और वो है कि कार हाउ टू पास द फास्ट और व्हाट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू ट्रबल शूट. हम पहले ही कार को बना के ऐसे चले जाएंगे कि जिसके बाद हमारी कार 100% होपफुली पास होके आएगी. जस्ट अ मोमेंट. तो जैसे आप आपके स्क्रीनशॉट पे देख सकते हैं ये है वो रिपोर्ट जो है हमारे लिए क्रिटिकल. ये है विजुअल आइटम्स और ये है अंडर कैरेज आइटम्स आपके स्क्रीनशॉट पे आप यहां देख रहे हैं. सॉरी, तो जैसे आप यहां पे देख रहे हैं विजुअल आइटम्स में आप टोटल देख सकते हैं कितने आइटम्स है टोटल. यहां पर 28-30 आइटम्स होते हैं और लिस्ट ऑफ अंडर कैरेज आइटम्स टेस्ट आइटम्स जैसे बाजू में लिखा हुआ है. जैसे मेरी कार फेल हुई थी आपने ध्यान दिया होगा विजुअल आइटम से फेल हुई थी. शुरू का जो पॉइंट आप देख रहे हैं ऊपर कलर में फेल हुई थी है ना, जैसे आप स्क्रीनशॉट में यहां देख रहे हैं. तो यहां पे इन सब पॉइंट्स के हमको ध्यान देनी है दोस्तों. चलो दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं. कार आगे जाने वाली है उसका नीचे से इंस्पेक्शन पूरा होने वाला है और जैसे आप बाजू में देख सकते हैं लीकेज वगैरह होगा लेकिन उसको सेपरेट रखते हैं. लेकिन विजुअल में तो अपनी कार को पूरा पास करवा लेते हैं और विजुअल में सबसे पहले कलर आता है, फेडिंग हो रहा था मेरी कलर को, मुझे 700 रियाल का खर्चा करना पड़ा और आपकी कार का कलर फेड होता होता मतलब. लेकिन लैंप देख लें, लाइसेंस प्लेट है, चासिस नंबर है, बॉडी माउंटिंग है, ब्रेक मास्टर, एक एक करके हम इसको कर सकते हैं भाइयों. एक एक ध्यान दिया करें आपका लाइसेंस प्लेट सही है क्या नहीं, बराबर लगा हुआ, जो जो माउंटिंग्स है जॉइंट्स हुए होते हैं बॉडी के ऊपर सब के सब क्लियर बराबर से करके चले जाओ. ब्रेक मास्टर सिलेंडर असेंबली है, नीचे होती है मेन केबल, दिखना चाहिए विजुअल में, दिखना चाहिए, हिल नहीं रहा. लैंप देख लें आप, ऑक्सिलरी है, बाजू का लैंप है, हेड लैंप है, पार्किंग लैंप है, फ्रंट साइड डायरेक्शन लैंप है, हैजर्ड लैंप है, सब बत्तियां हमारी सब लाइट है बराबर चल रही है कि नहीं, देख रहे हैं ना आप स्क्रीनशॉट के ऊपर विजुअल्स में आप देख रहे हैं सबको बराबर चल रही है क्या नहीं, खुली लूज नहीं होनी चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सब बराबर चल रहे हैं क्या नहीं, लूज नहीं होनी चाहिए और उनको बराबर ठीक ठाक करके आप लेके जाए. मैं ये पॉइंट्स बोल रहा हूं, दीज आर द पॉइंट्स वी शुड क्लियर बिफोर गोइंग फॉर फास्ट. अगर हम करके चले गए तो इंशाल्लाह हमारी कार फेल नहीं होगी. लैंप सब हो गए, वाइपर सब हो गए, देखिए आप विंडस्क्रीन हो गई, आगे की विंडस्क्रीन जो होती है फ्रंट की है पीछे की है, अगर विंडस्क्रीन हमारी कार को लगी हुई है तो वाइपर हो गए, मिरर्स हो गए, देखिए वॉशर हो गया, डोर्स हो गया, टायर हो गया. दिखते टाइम में टायर खराब नहीं दिखना चाहिए, अच्छे सा टायर होना चाहिए जो कम से कम उसको ऐसा ना लगे इंस्पेक्टर क्योंकि वहीं पर जाके फट गया है, तो अच्छा बना के चले जाओ. और ये विजुअल है. इसी के साथ अगर आप ध्यान से आगे जाएं तो देखेंगे वहां पे ब्रेक लैंप्स हैं, इंजन बेल्ट है, अगर उनका वो लोग इंजन खोल के देख लेते हैं और इंजन की बेल्ट को बहुत इंपॉर्टेंट है देखेंगे, इंजन की बेल्ट एकदम पुरानी तो नहीं हो गई और फट ना जाए. अब ध्यान दें कार को लेकर जाने से पहले, खुद नहीं कर सकते आप खुद कर सकते हैं ना मैकेनिक के साथ जाकर, अरे यार मैंने देखा हुआ ये सब है भाई मेरे फेल हो जाएगा. आप सब सीधा बोल सकते हैं, किसको बोल सकते हैं, आपके मैकेनिक को बोल सकते हैं. बाद में हम ये भी कवर करेंगे कि कार की जैसे मेरी फेल हुई थी और मैं यमनी के पास गया था वो भी मैं आपको बता दूं, लेकिन ये पहले ही हम करेंगे. वी विल टेक द केयर ऑफ दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. इसी के साथ स्टीयरिंग हेड है, स्मोकी इंजन है, स्मोकी इंजन है, आगे देख रहे हैं आप देख रहे हैं ना यहाँ पे स्मोकी इंजन है, मतलब इंजन में से स्मोक आ रहा है ये तो आपको पहले से ही पता चल जाएगा. तो मोमेंट अगर आपको पहले से ही पता चल गया मेरे भाई तो आप उसको क्योर कर ले, मतलब मुद्दा ये है कि फिक्स करो इन सब बातों को फिक्स करो. ब्रेक बेल्ट है, सीट बेल्ट है, बैठेंगे वो लोग अंदर बैठ के सीट बेल्ट डाल के देखेंगे, देखो ध्यान से डैमेज बॉडी नहीं होनी चाहिए, मतलब कार क्रैश हुई और उसको डेंट्स बिल्कुल नहीं, वो लोग एक्सेप्ट करते, डेंट रिपेयर करके जाना है. फ्यूल टैंक नीचे हुआ, फ्यूल टैंक है, करोजन हुआ है, कहाँ करोजन, मतलब गाड़ी के बाजू में करोजन हुआ, नीचे करोजन हो, ये विजुअल है, देख के ही पता चल जाता है. फ्यूल टैंक का जो बाहर हिस्सा है भाइयों,
लूज नहीं होना चाहिए उसका दरवाजा वगैरह। तो देखियो कितनी पॉइंट्स हैं यहाँ पे, अगर वो क्लियर कर देते हैं आगे भेज देते हैं, आगे जैसी गाड़ी जाती है तो वहां पे बाजू में जैसे आप स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं कि अंडर कैरेज में लीकेज नहीं होना चाहिए। चलिए शुरू से कर लेते हैं, स्टीयरिंग बॉल ज्वाइंट है, देखिएगा हमें कुछ नहीं भाइयों, ये सब नीचे है, कार के नीचे है। आपको आपके वर्कशॉप में ही जाना पड़ेगा, आपके गैरेज में जाना है आपको, और गैरेज में जो नीचे बंदा देखने वाला है वो आपको देख लेगा और वो बता देगा भाई यहाँ पे कोई लीक नहीं। लेकिन कौन सी लीक, वो कुछ छुपा भी सकता है, क्यों ना आप खुद उसके साथ रहकर पूछे, क्यों ना भाई आप खुद उसको बोले ओ सर मुझे ये बताओ क्या बॉल स्टीयरिंग बॉल जॉइंट बराबर है क्या नहीं, जैसे आप पढ़ो यहाँ पे पावर स्टीयरिंग कंपोनेंट सब बराबर है क्या नहीं, नीचे पावर स्टीयरिंग जो होते हैं जैसे भाई मेरा 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 वो भाई उन्होंने मेरे को यहाँ पे देखो वो स्टीयरिंग सिस्टम लिंकेजेस जो था मेरे को उन लोगों ने बोला ना कि स्टीयरिंग व्हील कॉलम विजुअल में देख ले, विजुअल में, उसने ऐसा नहीं बोला कि मेरे स्टीयरिंग व्हील कॉलम खराब, उसने सिर्फ क्या नीचे से देख के बोला, मतलब सिर्फ देख के बोला, ऐसा उसमें अंदर जाके कुछ नहीं बोला, वो सिर्फ बोला आवाज आ रहा है, और वो भी मेरी ना स्टीयरिंग को आवाज आ रही थी दोस्तों, तब जाके उसने स्टीयरिंग व्हील, मतलब मेरा बोलने का मकसद ये है कि स्टीयरिंग व्हील कॉलम को उन्होंने इसमें रखा होगा विजुअल में रखा हो ना कि अंडर कैरेज में रखा हो, अंडर कैरेज में उन्होंने कुछ वो रखे हुए हैं स्टीयरिंग सिस्टम लिंकेजेस, मतलब ऐसे कुछ मैकेनिकल चीजें जहां से लीक वगैरह कुछ हो रहा है, कुछ आवाज वगैरह हो रहा है। मेरी कार का क्या था, उनको स्टीयरिंग में आवाज आई, उन्होंने इमीडिएटली बोल दिया कि भाई अब बस वो फिक्स करके आ जाओ। नीचे देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंट स्प्रिंग्स हैं, रेयर स्प्रिंग्स हैं, हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा, लेकिन हमें क्या करना है अपने मैकेनिक को जाके बोलना है भाई भाई ये सब सही है कि नहीं, पावर ट्रांसमिशन सही है कि नहीं, टायर सब नीचे से फ्यूल टैंक लीक तो नहीं है, फ्यूल लीकेजेस नहीं है, ये सब पॉइंट भाई स्क्रीनशॉट आपके साथ सेव करके रखिए, वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है आपके लिए। तो इस तरीके से ये पूरा मैं आपके सामने रखा हुआ, आपको ध्यान देना है। और अगर आपका मैकेनिक ओ भाई सब ठीक है, आओ भाई सब मैं कह रहा हूं ना सब अच्छा है, अब चले जाएं फास्ट को, आपकी फास्ट होपफुली हो जाएगी। ये था मेरा मेन मकसद ये वीडियो बनाने का दोस्तों, कि ये पॉइंट्स जो इतने सब हैं स्क्रीनशॉट पे लिखे हुए सब कार के रिलेटेड है, अंडर कैरेज के भी मैंने बता दिए, विजुअल की भी बता दिए, अगर आपने इन सब की फिक्र ली तो आपकी कार आप पास कर लेंगे। ऑफ कोर्स जो MVPI वेबसाइट है उसकी शॉर्ट्स में डाल चुका हूँ, 115 रियाल 38 रियाल ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कार की फिक्र आप खुद किया करें दोस्तों। अगर आप अपनी कार की फिक्र खुद ही किया करेंगे तो जैसे अगर मेरी वीडियो आपने देख ली यार आपके पास ऑलरेडी ये मालूम आते तो आप खुद ही उसमें ध्यान दिया करें जैसे मैं दिया करता हूँ, है ना। और मान चलो कि ये सब होने के बावजूद अनफॉर्चुनेटली हमने सब किया था, उसके बावजूद भी अगर कार इंस्पेक्शन में फेल होकर आ रही है तो जैसे मैंने किया था वैसे आपको करना है। देखिए दो बातें हैं, हम फटाफट क्या कर सकते हैं, हमारे खुद के पास चले जा सकते हैं, जो हमारा खुद का गैराज वाला होता है हम उसके पास जाके अपना करके आ सकते हैं, लेकिन एक ही उनके पास जाने का प्रॉब्लम होता है कि वो हम इस बात की कॉन्फिडेंस नहीं दे सकते कि हमारी कार की फास्ट 100% हो जाएगी। ये वो ही दे सकता है जो फास्ट सेंटर के बाहर बैठा हुआ है, वो हमें बता देगा, वो हमें बता सकता है कि भाई मैंने तेरा किया हुआ है। अगर आप इसके पास भी जा रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, आपको नॉलेज है अगर तो प्लीज भाई उसको बोले ठीक है भाई तू काम कर, लेकिन अलीबाबा वाला काम मत करो आप, हमको मतलब जो लोकल शब्दों में कहा जाता है माजर के साथ थूक लगाने वाला काम मत करो, मेक शिफ्ट काम इंग्लिश इसको रेसिपिटेड लफ्जों में बोला जाएगा, तो अच्छा ही काम करे आपकी कार का और अच्छे से बना ले कार को और फिर फास्ट को चले जाए, आपकी फास्ट पास हो जाएगी। यही था मेरा दोस्तों आज का टॉपिक, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने मतलब अच्छा किया इन द सेंस मेरे चैनल को व्यूवर्स लोगों ने अच्छे से थोड़ा सपोर्ट किया, लेकिन प्लीज मुझे आपके सपोर्ट की और जरूरत है, मेरे चैनल को 1000 बनने में प्लीज सपोर्ट कीजिए। लेकिन मैं वीडियोज लाते रहता हूँ, इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स जो ढूंढता रहता हूँ, सिगरेट करता रहा हूँ, वीलॉगिंग में अभी मैंने थोड़ा ब्रेक लिया हुआ है क्योंकि ऐसा कुछ है दिखाने के लिए, अगर कुछ हो जाए वहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ, इन्फॉर्मेशन पे आ जाता हूँ, सडनली अगर मैं इन्फो में इंटरटेनमेंट में भी रहता हूँ तो ऐसे मैं सब मर्ज करते रहता ही हूँ, साइमल्टेनियसली मेरे शॉर्ट्स भी दिखा करें आप, क्योंकि मैं शॉर्ट्स में इंपॉर्टेंट न्यूज ब्रेक में करता रहता हूँ। तो दैट इज इट, आज की वीडियो इस पर थी, होपफुली अगली वीडियो कुछ अगला टॉपिक होगा, मैंने कुछ सोचा हुआ है, मैं दोस्तों सोच रहा हूँ कि प्रॉपर ड्राइविंग लेसन्स की एपिसोड शुरू करूँ कि हाउ टू ड्राइव द कार, ऑटोमेटिक कार स्टेप वाइज, एंड वी विल ऑल्सो गो इन टू द मैकेनिक्स ऑफ द कार, वी विल ट्राई टू अनहर्ड वॉट आर द स्टेप्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द ट्रबल शूटिंग ऑफ द कार, वी विल टेक इट एज अ लेमन, अ नॉर्मल पर्सन विल बी एबल टू ट्रबल शूट अ कार प्रॉब्लम्स। I have experience of 3-4 years and I have read so much literature about it, the troubleshootings and the excerpts and the articles. I have the knowledge of it years. So what we will do is now I'll try to teach you guys how to try. Beginners ke liye bahut acha hone wala hai. Jo naye ladke aane wale hain agar un logon ke liye matlab mere jo viewers hain of course aise bahut driving lessons wale hain. Main driving lessons itne hi saath hum gaadi ki jo problem hote hai usko bhi kis tarike se solve kiya jaye dheere dheere main upload karunga. Please mere channel ko subscribe aap karte rahe. Thank you for watching.